नमस्कार दर्शक लोग, हम हैं अनूप नारायण सिंह और रौरा सभी के आज मिलवावे जा रहा बानी अखिलेश कुमार सिंह जी से। यहाँ के पत्रकारिता के विधा से जुड़ल बानी, शाहबाद के माटी से जुड़ल बानी। आवे वाला 22 दिसंबर के यहाँ के शाहबाद महोत्सव के आयोजन करे जा रहा बानी शाहबाद में, जिनमें शाहबाद के माटी से जुड़ल कोनो विधा के ऐसा व्यक्तित्व वालों जो पूरा देश दुनिया में शाहबाद के माटी के मान बढ़ावता लोग सभी के यहाँ के निमंत्रित कर ले बनी। तो आई जानल जाओ कि शाहबाद महोत्सव करावे के जो कॉन्सेप्ट बा और विचारधारा बा, अखिलेश जी के दिमाग में कहाँ से आई आ का कुछ करे जा रहा बनी ये महोत्सव के माध्यम से। जी नमस्कार जी। ये महोत्सव के माध्यम से हमनी के जवन भोजपुरी माटी के जी पुरानका जो शाहबाद जिला रहे, जो हमारे चार गो जिला हो गई, रोहतास हो गई, भोजपुर हो गई, बक्सर हो गई, कैमूर हो गई, ये चारों जिला के मिला के, तो हमनी के जो सांस्कृतिक ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत रहल बा ओकरा के याद करे खातिर लोग धीरे धीरे भूलल जा रहा, वर्तमान परिवेश में ओकरा के लोग भूलल जाता, तो ओकरा के याद करे खातिर ई महोत्सव के आयोजन कई गई बा। जी जी। 22 दिसंबर के रोज महोत्सव करत नहीं कहाँ हुई के आवत अटे काका कॉन्सेप्ट बा एकर? ये महोत्सव रोजा विक्रमगंज में रखल बा, रोहतास जिला में पड़ला। ऐसे विक्रमगंज में रखल गई कुछ चारों जिला के सेंटर बा, ओजा से करीब 60 से 65 किलोमीटर के दूरी पर चारों जिला के मुख्यालय बा, अनुमंडल मुख्यालय है। एकरा में रौरा हमनी के शाहबाद इलाका के जे भी प्रमुख लोग बा ओकरा के सबका के न्योता दे जाता है। ओकरा में राजनीतिक लोग भी, सांस्कृतिक कला क्षेत्र से जुड़ल लोग भी, चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ल लोग, साहित्य के क्षेत्र से जुड़ल लोग, ओमे रौरा वशिष्ठ बाबू भी जाता नहीं, हमनी यहाँ के सहे बात कहें वहाँ के जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष बानी, राजद के रौरा प्रदेश अध्यक्ष बानी जगता बाबू, वो के हमने यहाँ के बानी, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष बानी अभी दिल्ली के मनोज कुमार तिवारी जी, सिनेमा कलाकार बानी, वो के हमने यहाँ के बानी, भरत शर्मा जी बानी, संत महात्मा के भी हमने बोलैले बानी, एगो जी आर स्वामी जी बानी बहुत बड़ा महात्मा बानी, वहाँ के पायलट बाबा बानी, वहाँ के वहाँ सबके संदेश भी आ गई बा। शाहबाद के जो इलाका बा धान के कटोरा के रूप में जानल जाला, और अभी शाहबाद ऐसे भी चर्चा बा कि शाहबाद के माटी के गुलाल रनी है स्वर्गीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी, वहाँ के नासा तक में वहाँ के धूम रहे, बिहार में वहाँ के निधन भइल रहे, ओकरा बाद एगो बहुत बड़ा सवाल उठल कि विरासत के वापसी में जे भी ऐसा महापुरुष बा, युग पुरुष बा, माटी से जुड़ल बिहार के लाल बटे, ओकरा साथे का बदहाली होला, कैसे गुमनामी के अंधेरा में खो जाला, तक का शाहबाद महोत्सव में अखिलेश जी ये सवाल के उठावल जाय? जी जी एकदम उठावल जाय। अभी लेटेस्ट घटना भाई तत्कालिक बा, और यदि सरकार आ सरकारे खाली दोषी मत मानी, हमारे समाज के लोगो बा, शाहबाद के लोग जो साधन संपन्न बा, अतना माने उनकर छोड़ी ना पूरा शाहबाद के जो बट के जिला भोजपुर भइल बा, वही जिला में वैसन लोग उनका बहुत बढ़िया से इलाज करा सकत रहे। आज जितना लोग आंसू बहावे जाता उनका नाम पर आ राजनीति करता, फोटो खिंचवाता, लोग थोड़ा सा भी ध्यान देल रहे तो वशिष्ठ बाबू शाहबाद के नाम बहुत बड़ा और ऊपर कहले रहते वहां के, लेकिन साधन के अभाव में, इलाज के अभाव में वहां के असमय मर गईनी, और जो वहां के अंदर में जो प्रकाश रहे वो प्रकाश के बाहर ना निकाल पाए। अब चूंकि सवाल बहुत तत्कालिक बटे, जब मिलनी जब वहां के भुला गई रही, जब मिलनी तो उभरी के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहस लालू प्रसाद यादव जी, वहां के दू गो आदमी जो खोज के छपरा से ले रहे, दोनों आदमी के लालू जी पुलिस में नौकरी देनी, वशिष्ठ बाबू के घर के तीन आदमी के नौकरी देनी, 1997 में जब तक लालू जी यहाँ के मुख्यमंत्री रही तब तक वहाँ के इलाज भी भइल, ओकरा बाद बहुत सारा लोग आई, बहुत सारा वादा भइल, शत्रुघ्न सिन्हा जी के पहल से फिर इलाज वहाँ के शुरू भइल, सरकार आइल गइल, केंद्र के सरकार बदलल, पूरा देश में लागल राष्ट्रवादी सरकार आ गई, लेकिन वशिष्ठ बाबू के शुद्ध बुद्ध कोई ना लेलक, आ हद तो तब हो गई कि जब वहाँ के गुजर गई तब पीएमसीएच प्रशासन वहाँ खातिर एगो एम्बुलेंस 100 वाहन तक उपलब्ध ना करेलक, रका लगा था कि चुल्लू भर पानी में हमनी बिहारी के ना मर जाए के चाहिए, एकदम मर जाए के चाहिए। अब तो जो बात कहता नहीं, अब तो रोया गंगा ना आ जाता कि जो ना तरीका से उतना बड़ा महापुरुष के लाश निकाल कर क्या दिवाली तक छोड़ दिया गई रहे, जो टीवी पर चल रहा, जो सोशल मीडिया पर चल रहा, वो से बड़ा दुर्भाग्य का हो सकेला, हो ही ना सकेला जी। अब एक जबकि सरकार भी जानत रहे, हर दल के नेता जानत रहा कि वशिष्ठ बाबू की इलाज चलता, ये ना रहे कि सरकार की जेहन में बात ना रहे, सरकार के जेहन में बात रहे, पीएमसीएच प्रबंधन के भी दिमाग में रहे, लेकिन ओकरा में कोई के दोषी करा के सजा ना दिल गई जी, आज तक ना दिल गई, अधीक्षक भी जानते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन सब मामला रफा दफा कर दिया गए है ना, और फिर उनकरा के एगो ऊपर पर्दा डाले खातिर सरकार उनकरा के घोषणा कैलस की हम राजकीय सम्मान के साथ करो, सम्मान तब तो न हो जब उनकरा याद में कोनो बड़ा काम हो जाए। अच्छा, अब सवाल तो चूंकि राजनीतिक सवाल हो गई बटे,
एगो संस्थान उनका नाम पर शुरू भइल है डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह ट्रस्ट बटे वहाँ के परिवार के द्वारा। उसमें डॉक्टर विजयराज सिंह जीवानी, शैलेश जीवानी, भूषण कुमार सिंह बबलू वानी, वहाँ के भतीजा मुकेश जीवानी मिलकर एगो संस्थान के शुरुआत भइल है कि 40 गो गरीब बच्चा के वहाँ के चाहत रही आ जे लोग अंतिम समय में वहाँ के आर्थिक मदद देत रहला उ नोवा बा नेतर हार्ट ओल्ड बॉयज एसोसिएशन अच्छा आ भूषण कुमार सिंह बबलू, विजयराज सिंह, शैलेश कुमार सिंह जी ऐसा एगो टीम बटे जे लोग के रहे कि वहाँ के जिंदा रहत भर में पटना में एगो संस्थान होके 40 गो गरीब बच्चा पढ़ो सन कोई के राम के होके रहीम के होके कोनो जाति संप्रदाय के होके वहाँ के इच्छा रहे अब वहाँ के नहीं थी का लगा तो शाहबाद के लोग के शुक्रिया वशिष्ठ जो संस्थान बटे जे साधन संपन्न लोग बा का उनका के सपना के पूरा करे लागे आवे के चाहिए एकदम आवे के चाहिए है ना। हमनियो के महोत्सव के माध्यम से जी जो हमने के वो प्रदर्शनी लगावे के सोचले बानी जा जी ओकरा में प्रमुखता दे जाई वशिष्ठ बाबू के जी ओकरा में कि लोग जाने वशिष्ठ बाबू के बारे में तो कुछ मीडिया से लोग जानला सा जी लेकिन पूरा जानकारी नहीं के भइल तो हमने के ऊपर प्रदर्शनी लगावत हैं जा कि रौरा हरिचंद्र से लेकर के उनकर बेटा चुकी रोहिता सोनिया से रहन ओकरा बाद शेरशाह से लेकर कुंवर सिंह से लेकर जगदीवन बाबू से लेकर के है ना। लेकिन अभी तत्कालीन घटना बा और संजोग से वही टाइम में महोत्सव के आयोजन कइल बा तो इससे उनकरा के केंद्र में जरूर हमने के रखल जी वशिष्ठ बाबू के और हमने के आग्रह कइल जाए लोग से कि वो संस्था जो हम बनेले डॉक्टर साहब विजय बाबू वानी और जो टीम बा वहां सब के बहुत ज्यादा माने बढ़ चढ़ के काम कइले बा ई हमरा पता चला। नहीं एगो सवाल उड़े से बटे क्योंकि बक्सर के जो माटी बटे बक्सर का पूरा शाहबाद के जो माटी बटे काफी उर्वरता बटे चाहे बौद्धिक रूप से होके सांस्कृतिक रूप से होके उधरती से बाबू बिरकुबर सिंह जैसा महान विभूति 80 साल के उम्र में पैदा होला लोग वशिष्ठ बाबू अब पैदा नहीं हो सकत लेकिन वही माटी में ऐसा उर्वरता बटे कि बिस्मिल्ला खान जैसन लोग पैदा होला बहुत ऐसा विभूति पैदा होला कारण वेदना नहीं लगत कि खाली पुल के नामकरण कर देला से यूनिवर्सिटी के नामकरण कर देला से कि का वशिष्ठ बाबू के भी भारत रत्न और पद्मश्री पुरस्कार पर यहाँ के हक नहीं खेका पुल चौक या पकेट मारो के नाम पर बनल बताओ क्रिमिनल के नाम वो से का हो कि उतना बड़ा आदमी के द्वारा नाम पे वो पुल कर दी वो से जवन सार्थकता ना हुई कहीं से उनकरा के भारत रत्न देवे खाती राज्य सरकार के आग्रह करे के चाहिए आ शाहबादी नाई पूरी भोजपुरिया माटी या बिहार के जितना लोग बा उस सांसद विधायक लोग के चाहिए कि एकरा खातिर हम प्रयास करी सरकार के लिख के दी आ ई कोनो जाति धर्म से जुड़ल ना रहन ई देश खातिर रहन और देश और लेकिन चूंकि देश इकरा साथे अन्याय कैलस जी तो अब थोड़ा सा उनका न्याय मिल सकला आत्मा के शांति मिल सकला और उनका परिवार के भी तसल्ली हो सकला कि वशिष्ठ बाबू जैसे लोग के भारत रत्न देवे के चाहे तक आप मानल जाओ कि जो शाहबाद महोत्सव के रूप में रोड़ा बीजरोपण करे जा रहा बनी फिर एक 1857 के क्रांति जैसे सामाजिक क्रांति के सूत्रपात हुई शाहबाद के धरती से जी 1857 जैसा तो ना कहल जाए सत्ता के खिलाफ रहे इस सत्ता के खिलाफ नहीं थे जी हमारे सभ्यता संस्कृति और मर्यादा के बढ़ावा देवे खातिर लेकिन हाँ ये हो कि हमारे विकास खातिर क्रांति हो विकास खातिर क्रांति हो कि वो शाहबाद में टूरिज्म सर्किट बने है ना यहाँ के जो महापुरुष रहल बा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकरा के आगे कही जाए जकर उपेक्षा होत रह गेल बा और कृषि के क्षेत्र में हमारे बहुत डेवलप क्षेत्र रहल बा अब ओकरा में बार उरा कि हमारा यहाँ बहुत उत्पादन होला लेकिन कहीं कोल्ड स्टोर को नहीं करो सब्जी उत्पादन करके रख दे फल उत्पादन करके रख दे तो ओकरा खातिर सरकार के करे छी तो विकास खातिर क्रांति होई वो 1857 ला सरकार के खिलाफ रे डेवलपमेंट खातिर हो कि एकरा प्रयास होई के यहाँ के बानी अखिलेश कुमार सिंह जी चूंकि हम पहले बतेले नहीं है कि पत्रकारिता विधा से जुड़ल बानी शाहबाद के इलाका में यहाँ के खासा प्रभाव बा सामाजिक रूप से काफी ज्यादा सक्रिय बानी आ जो 22 दिसंबर के शाहबाद महोत्सव के आयोजन यहाँ के करे जा रहा बानी काफी कुछ ओकरा में देखे के मिली आ वशिष्ठ नारायण सिंह जो महान गणितज्ञ बानी प्रातः स्मरणीय बानी या बिहार ही ना पूरा देश के लोग के वहां पे गर्व बटे तो ये वो मंच से सवाल भी उठी कि अगला वशिष्ठ नारायण सिंह जैसन गुमनामी के गर्द गुबार में खोके कोनो बिहार के सपूत ऐसन गुमनाम ना हो जाए तो शाहबाद महोत्सव के माध्यम से वो आंदोलन के भी सूत्रपात अखिलेश जी करे जा रहा बनी तो फिर मिलल जाए कोनो ऐसन शख्सियत के साथ यही कार्यक्रम में यही चैनल पर तब तक खाती हमरा के दी विदा नमस्कार धन्यवाद।